हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना और आज मैं आप लोग के लिए क्या फिर से एक नई रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक बड़े सा भगोना लिया है। इसमें 2 बड़े कप हमने गेहूँ का आटा लेंगे, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैदा लेंगे 1 बड़ा चम्मच के बराबर। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गेहूं के आटे को। थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम इसमें। हम घोल तैयार करेंगे गाढ़ा वाला, न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए न ज़्यादा पतला। तो आप देख सकते हैं हमारा घोल रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से हाथों से फेंटेंगे। इसको तो हमारा ये घोल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड कर दिया हमने। सबको मिला करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे हम इसमें। तो हमने थोड़ा सा सोडा और ऐड कर दिया है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा इसमें। तो हमारा ये घोल बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ना ज़्यादा गाढ़ा बना है ना ज़्यादा पतला बना है, ऐसे ही बनाना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। पलट करके इसको पका लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये बन के रेडी हो चुका है। इसको 2 मिनट और फ्राई करेंगे। अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। खाने का मन करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी थी। एकदम कुरकुरी लगती है, इसको मालपुआ भी नहीं बोलते हैं, ये कुरकुरा मालपुआ है, आप देख सकते हैं। और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, देखिए कितने करारे बने हैं। इसको आप किसी आम के अचार के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। छोटे बच्चों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, तो प्लीज़ ये रेसिपी बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है ये। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं इसको, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।